गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 तक हमारे इसके पहले पीरियड में हो गए थे एक्सरसाइज. आज हम न्यू एक्सरसाइज 3.5 ये समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक गुणनखंड विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है. कौन सी विधि से? प्राथमिक गुणनखंड विधि. ये हम समझेंगे आज. ये क्या होती है? प्राथमिक गुणनखंड विधि. प्राथमिक गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक. शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, हम आपको पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन नोट कर देंगे. लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है. हमने संख्याएं दी है 40 मतलब 40, 48 और 45. ठीक है, अब इनका हमें प्राथमिक गुणनखंड विधि से क्या करना है? लघुत्तम समावर्तक निकालना है. तो इसका अलग अलग निकालते हैं प्राथमिक गुणनखंड विधि से. 40 के निकालेंगे यहां, 48 का और इधर 45 का. सभी के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे. सबसे पहले से 2 से दिया, 2 जा 4 20, फिर 2 से दिया तो 10, ठीक है, फिर 2 से दिया तो 5, 5 से दिया तो 1, 48 में दे दो 24, फिर 2 से दिया तो 21 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से दिया 26 जा 2, 3 जा और 31 जा 3. 45 को पहले 3 से देंगे, 31 जा 3, 35 जा 50, फिर 3 से दिया 35 जा 50, फिर 5 से दिया तो 1. हमने क्या करा? तीनों के अलग अलग क्या निकाल लिए? गुणनखंड निकाल लिए. अब सभी को सभी गुणनखंड हमें अलग अलग लिखना है. 40 के कितने हैं? ऊपर तरफ करते हैं, 40 के लिख देंगे फैक्टर, 48 के लिख लो यहां, फिर इसके बाद 45 के. तीनों के हमें लाइन से लिखना, 2 × 2 1 2 3 3 × 5. ओके, अब 48 के लिख देंगे 1 2 3 4, 4 × 2 लिखना, 2 × 3 4 × 3. ये 48 हो गए. अब 45 के लिख देंगे हम 3 × 3 × 5. ये हमने क्या करा? सभी के फैक्टर लिख लिए कितने हैं. अब हमें क्या करना है? पेयर बनाना सभी के. अब लघुत्तम समावर्तक का लिखना है यहां पर, लघुत्तम समावर्तक 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 3 × 3 × 5. 2 2 देखो पेयर बनाना है. ये बन गया, इसमें से 1 2 कॉमन लिया, फिर 1 2 इसमें से लिया कॉमन, फिर 1 2 इसमें से आया और जो बचता है उसको भी लिया. एक अकेले सिंगल ही बचना है बिना पेयर का, तो ये भी लिया. फिर 3 3 के बन गए, ये 3 3 का एक पेयर बना और फिर 3 बचा तो ये 3 लिखा और लास्ट में ये 5 का भी एक पेयर बन गया. तो दोनों पेयरों में से हमने एक एक ले लिए. उसके बाद जो बच रहे हैं वो लेकर सबका हमने आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. कितना आया? 720. यहाँ पे लिख देंगे 720. तो ये प्राथमिक विधि से, प्राथमिक गुणनखंड विधि से क्या निकल आया हमारा? लघुत्तम समावर्तक. किसका? 40, 48 और 45 का. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पूरा हुआ. सभी को सीडब्ल्यू कॉपी में नोट करना है. वर्क सभी का होना चाहिए. सभी लोग कॉपी चेक करवानी, स्कूल में सबमिट कर जाना. अब इसके बाद क्वेश्चन आता है 2. अभी प्राथमिक गुणनखंड विधि थी, अब आती निरंतर विधि. कौन सी? निरंतर विभाजन विधि.
एक एग्जाम में आपको इसका समझाती है निरंतर विभाजन विधि का 12, 50, 20 और 27 इन सब का क्या निकालना है हमें निरंतर विभाजन विधि से लघुत्तम समावर्तक निकालना है। निरंतर विधि में हम सबको एक साथ इकट्ठा निकालेंगे सभी का। तो सबसे पहले 2 से दिया 2 से जा 12 15 में तो जाएगा नहीं 2 बन जाए 10 27 का 27 फिर 2 से देंगे 2 3 जा 6 15 में जाएगा नहीं 2 5 जाए 10 27 का 27 अब किससे दे देंगे 3 से 3 बन जा 3 3 5 जा 15 5 में जाएगा नहीं 3 9 जा 27 फिर 3 से दिया 1 5 5 3 3 जा 9 फिर 3 से दे देंगे एक बार 1 5 5 1 और 5 से दे देंगे लास्ट में जब तक देना जब तक 1 1 नहीं आता। यहां से सब दे दिए आपको अब सबका क्या कर देंगे आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी का 2 2 3 3 3 और इन सब 5 का लास्ट में ऊपर कर देते हैं। यहां हमें जगह नहीं दिख रही थी आपको दिखेगा भी नहीं क्लियर नहीं आएगा वीडियो में 2 × 2 और 3 कितनी बार है 3 टाइम्स और इंटू 5 चेक कर लो 1 2 2 1 2 3 3 और 5 इन सब का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आया 540 कर लेना 2 2 4 4 3 12 12 3 36 बस 36 का कर देना आप 15 में कहीं निकल आया 540 572 इसका भी क्या निकालना है लघुत्तम समावर्तक भी निकालना है और महत्तम समावर्तक भी। तो सबसे पहले निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक यह हम आपको होमवर्क दे रहे हैं सभी लोग आप करके देखना और पीडीएफ में सेंड करेंगे फिर आप मैच करना आपका सही आया कि नहीं थोड़ा सा ही समझाएंगे इसको हिंट कर रहे हैं कैसे करना है लघुत्तम समावर्तक निकाल रही हूं। सबसे पहले दोनों का एक साथ इकट्ठा 2 से 2 बन जा 2 2 बन जा 2 2 से बन जा 14 फिर 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 फिर 2 से किया इसमें तो जाएगा नहीं 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 2 3 जा 6 फिर 3 से दिया हमने 3 2 जा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 फिर आ गया 143 फिर 3 से दिया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 अब किससे दे देंगे हम 13 से दिया 13 1 जा 13 और फिर आया 11 और फिर 11 से दे देंगे 1 9 ठीक है 2 2 3 3 13 11 170 226 170 143 39 फिर 143 13 143 फिर 111 ठीक है। अब सब काम क्या कर देंगे इन सब का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई वो आपको नीचे लिखना है स्टेप में आएगा 1 5 1 4 8
ये सभी आपको ये हमने पूरा किया नहीं है क्योंकि आपको हमने ये होमवर्क दिया है, तो आपका आप सभी को करना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर सबका मल्टीप्लाई करके देखना इतना आता है कि नहीं। वैसे हम इसको पीडीएफ में भी सेंड कर देंगे। नेक्स्ट पीरियड में हमसे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।